दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम अपनी बात ही करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने दिमाग की बात करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग ढंग होता है समझाने का, बताने का। बातें वही होती हैं लेकिन तरीका अलग अलग होता है समझाने और बताने का। हाँ आ जा तू इधर खड़ जा, दिखा ये बच्चा है जे, इसको क्या मालूम है ज़िंदगी का। इसका दिमाग है, जैसे इसको भेजे में कुछ डाला जाएगा वैसे ही इसमें चला जाएगा। जो इसको पढ़ाएंगे वही बनेगा ये। पहले इसके दादा थे, फिर इसके पापा आए, अब ये हो गया। ये ज़िंदगी जो है ऐसी चलती रहेगी। दिमाग होता है ना जब इंसान का, किसी को कोई कुछ कहने नहीं जाता इस दुनिया में। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में, दो जो दो आदमी लड़ रहे होते हैं ना, उनको समझाने वाला सारा परिवार होता है लेकिन वो मानते नहीं हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। जब क्रोध आता है ना, जब क्रोध आता है तो वो आदमी की अकल को खा जाता है। क्रोध अकल को खा जाता है। जितना मर्जी समझाओ, औरत मर्द का झगड़ा हो उनको समझाते रहो, बात नहीं बनती। बुढ़िया जो होती है बीच में टांग अड़ाती हो, उसकी जितना मर्जी इज्जत कर लो, समझा लो, जो मर्जी कह लो, वो बात नहीं बनती। क्योंकि ये सब लोग हैं, जितने दिखाओ दिमाग, ये दिमाग दिखाओ, ये लोग ये सर घूम रहे हैं ना, ये जितने सर घूम रहे हैं, ये यही तो सब लड़ाई झगड़े का कारण है। इनकी ईगो है, इनका अहंकार है। ये कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा कुछ सियाना है ही नहीं है, सारी दुनिया बेवकूफ़ है। ये भी देखिए लंडा बालक है, इसको क्या मालूम है, या कोई ताली मार देता है, या कोई हंसता है, या कुछ करता है। इधर इधर तू दिखा जरा, ये देख क्या पता है इसको, जो बनाएंगे बन जाएगा। और आप कई बार टीवी पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 2 साल के 3 साल के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये बड़ा होकर क्या करेगा, ये तो समय बताएगा आने वाले में। जो इसको बनाएंगे वही बन जाएगा, क्योंकि हमने बनाना है जो न्यू जनरेशन जो है, जो हमारे नई पैदाइश है, जो नए बच्चे हैं उनको हमारे समाज के लोगों ने अच्छा बनाना है। हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने इसे अच्छा बनाना है। बातें तो वही हैं यार, हम जब आते हैं तो यही बातें करके चले जाते हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा नेगेटिव और पॉजिटिव बातें आती हैं दिमाग में। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, दिन भर अपना दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये कोयल बोल रही है ना, कोयल बोल रही है, ये इंद्रों आती है। अब जे अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तो ये सावन तक चलेगी, तो उसने अंडे वगैरह बच्चे वगैरह देने होते हैं। तो ये 3-4 महीने गाती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 4-5 महीने बाकी साइलेंट रहती है। यही मतलब ही गया, जब तक मतलब होता है इसको तब तक ये जागती है, जब मतलब निकल जाता है जब चुप कर जाती है। देख लेना आप लोग, अभी तो चलने लग गया ना, कुकू बोलने लगी है। ये अपने अंडे जो होते हैं कौए के आलने में रख देती है, उनके बच्चे उन्हीं दिनों होते हैं। तो फिर ये अपने बच्चों के लिए कूकती है, बोलती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कौए को पता नहीं होता भी मेरा अंडा कौन सा है किसका नहीं है। ऐसी कोई बात है जो हम सुनते हैं कि कोयल जो है अपना आलना नहीं बनाती, दूसरों के घर में अपने बच्चे देती है, अंडे देती है। बात कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव की, जैसा आदमी सोचता वैसे बन जाता है। हम क्या सुबह से सोच रहे थे यार, कुछ भी नहीं सोच रहे थे, बस लोगों से मिलकर आए हैं, उनकी बातें सुनी है, उनका दिमाग देखा है। लोग हमको भी बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना अकलमंद है, यहाँ पे समझदार है। कोई ये कहता नहीं कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, कहते हैं हम तो सुपर फाइन है, 100% हम तो एक्टिव हैं, है कुछ भी नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए आदमी में जाए कुछ करने की। अगर आप में हिम्मत नहीं ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, डरते हो ना। अभी बंटी भी मेरे साथ होता है कि मैं डर जाता है यार, पहन गया हूँ, मैं क्या नहीं पड़ती यार, माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार रहते हैं हमेशा, हमारा सर झुका ही रहता है। यार मरे होगा क्या मारोगे आप लोग, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे होगा क्या मारना आप लोग। यार जिंदा इंसान हो, बड़े बड़े आदमी हो, बड़े बड़े बिजनेस आपके, बड़े बड़े हैं आपके गैंग हैं आप, बड़े बड़े आपका यानी के सिस्टम है। अरे हमारी औकात ही क्या यार,
हम तो जहाँ बैठे हैं सीढ़ियों के ऊपर या लाइन के ऊपर बैठ जाते हैं, बातें करके चले जाते हैं। हमारी औकात ही क्या यार, औकात तो आप लोगों की है, औकात तो इन लोगों की है। ये बड़े बड़े इधर दिखाओ, बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, ये हैं बड़े बड़े आदमी। हम तो यार मामूली से आदमी हैं, हम तो सिर्फ रहे हैं, पागल हैं, कमले हैं, बावरे हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जो घर से निकलते हैं दुनिया को देखने के लिए कि दुनिया कैसी है। जितनी हम दुनिया देखते हैं ना, हम आपको दिखाते भी हैं। इतने लोगों से हम मिलकर आए हैं तो इतने लोगों से हमने बात की है, लेकिन आपका जो भेजा है ना, जो भेजा है आपका, उसमें जब बातें नहीं फंसी, जब उसमें जब बातें नहीं आ रही, जब तक अपनी सोच नहीं ना बदलोगे आप लोग, तब तक भैया लाइन पर नहीं आने वाली। गुस्सा हमें भी चढ़ता है, क्रोध हमें भी आता है। कहते हैं कि क्रोध जो होता है ना, गुस्सा जो होता है, इंसान की अकल को खा जाता है। कहते हैं जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जथा दृष्टि, जैसा आप देखोगे संसार को, तथा दृष्टि वैसे ही आपको दिखाई देगा। आप कहेंगे वाह बहुत क्या खूबसूरत है, वाह हरे हरे पत्ते हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसा आप देखोगे ना, अच्छा अगर हम भाई कहेंगे यार गंदे गंदे पेड़ के पत्ते हैं, ये है मिट्टी यहाँ पर पड़ी है, वो है ये है, जैसा देखोगे वैसे बन जाएगा यार। हम अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा होगा। हम अभी मिर्च मसाला ला के बात नहीं कर रहे, वैसे जो बात मन में आ रही है भाई बातें कर रहा हूँ मैं। हम भी वैसे कर सकते हैं जैसे वो दूसरे लोग करके करते हैं। और अब हम बता रहे हैं आपको कि जिंदगी में क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, हम बता देंगे आपको। आपकी सोच कैसे बदलेगी, आप अच्छा होंगे या बुरा होंगे, ये होगा जब वो बुरा होगा। अरे यार करोड़पति बनोगे या लखपति बनोगे, क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, ऊंचे जाओगे या नीचे जाओगे, ये बड़ी बड़ी बातें जो करने वाले होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़े बड़े समझाते हैं। आप लोग तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते तकते नहीं है। अरे भैया तूने तो ये पहली बार ही बात सुनी है तभी तालियां बजा रहे हैं, जब दो चार बार बातें सुनेगा तो जान जाएगा जय यार भाई बातें, जो पुरानी बातें जो पहले मेरे को दो चार लोगों ने कही हैं यही बातें दोहरा रहा है, अभी तेरे को पता ही नहीं है। ये जो सब बातें जो होती हैं सब हजारों सालों से, 500 साल से, 200 साल से भाई हम दोहरा रहे हैं, भाई पढ़ पढ़ कर हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन सुनने वाले नए बच्चे होते हैं, नई जनरेशन होती है, उनके लिए सब नया होता है। ऐसा पुराना ही है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा। यार दूसरा भी तुम्हारा ह्यूमन बींग है ना, हमारी तरह उसमें ब्लड है, फ्लैश है, हमारी तरह वो मानव है, क्यों उसका बुरा सोचता है। तू अपने अंदर झांक के देख, तेरे से कोई अच्छा बुरा करे तो तेरे को कैसा लगेगा, जैसा तू है वैसा ही वो है। किसी पर सोचने से पहले बुरा, अपने आप पर जो बुरा जो है, अपना जो अपना जो जुबान से बोलने से ना उसका स्वाद चख लिया अगर, जो मैं बात कहने वाला हूँ कि वो बात अच्छी लगेगी या ना लगेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पहले सोचता हूँ फिर बोलता हूँ। अगर मैं पहले सोच लूँ यार उसको बुरा लगेगा तो मत बोल यार बुरा, किसी को लगता है तो सब ऐसे चलते हैं। हमें खड़ा इसलिए होगा कि यार मैं अब जाने का टाइम हो गया है, हम भी बातें कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, हमारा मुँह सूख रहा है। अभी किसी से मांग के हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी, किसी काउंसलर के अंदर बढ़ गए हम धक्का लगा के। वो लड़के कह रहे क्या बात है, मैंने कहा बात कुछ नहीं है, तेरे बाबू से मिल रहा है, कौन है तू। फिर वो आ गया, वो कुदरती आ गया, गाड़ी बड़ी बड़ी रखी हुई है लोगों ने। कहता क्या पीना, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीना है, अच्छा हाँ पानी, मैं क्या पानी भी पिला दे। पीने के बाद इधर आ गए यार, हम धक्का धुक्का लगा के बढ़ जाते हैं यार, पटाई कर लो यार जो मर्जी कर लो हम लोग। अरे हमारा क्या जाता है भैया, इतनी कि हमने पढ़ाई लिखाई की हुई है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है ना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। आपके लिए हम जो कर रहे हैं, समाज के लिए जो कर रहे हैं, सोच बदलो समाज बदलेगा। चल बंटी तेरे को छुट्टी करता हूँ, अपनी दिहाड़ी ले, पैसे ले, तू चल अपनी रस्ते। और क्या हाल है, जब तेरी तरफ देखता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है वो पुराना मंजर, पुरानी बातें, पुराना जो दौर था जब हमें कभी, अभी क्या कहें यार, जितनी मर्जी बातें करते रहे। चले चल छुट्टी, आधी छुट्टी सारी चल पाई चली गई।